काट देना। हेलो एवरीवन, मैं हूं नुपुर गुलाटी और हम हैं बायोमैनिक्स के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीडीएस के क्वेश्चन 2013 के पार्ट टू। पार्ट वन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग गिवन बिलो। आर्सेनिक, फ्लोराइड, डस्ट और नॉइज। आर्सेनिक से क्या होता है, फ्लोराइड से क्या होता है और डस्ट से क्या होता है और नॉइज से क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, सबसे पहले आर्सेनिक की बात करते हैं। आर्सेनिक से मेलानोसिस हो जाती है। मेलानोसिस क्या होता है, इसके अंदर मेलानिन की कमी हो जाती है, स्किन पे अलग अलग पैच पड़ने लग जाते हैं, इसको मेलानोसिस बोलते हैं। मेलानोसिस की बीमारी हो जाती है। तो ए का टू। फ्लोराइड, फ्लोराइड की अगर कमी हो जाए, फ्लोराइड एक्सेसिव हो जाए या कमी हो जाए तो इससे फ्लोरोसिस हो जाता है। फ्लोरोसिस टीथ की डिजीज होती है, दांत जो होते हैं, एनिमल जो होता है वो कमजोर हो जाता है, गिरने लगता है। तो फ्लोराइड से फ्लोरोसिस हुआ। डस्ट से होता है हमारा सिलिकोसिस। सिलिकोसिस की प्रॉब्लम होने लगती है, मतलब लंग्स में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और खांसी, जुकाम, ये सब चीजें शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, नॉइज से क्या होता है, प्रेस बायक्यूसिस हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर इज 2, 1, 4 and 3। 2, 1, 4, 3 कहां पर है, सी पर। तो इसका करेक्ट आंसर इज सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लड डज नॉट कोएगुलेट इनसाइड द बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ब्लड जो होता है बॉडी के अंदर जमता नहीं है, किसकी वजह से नहीं जमता, इसमें क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये नहीं जमता। हमारी बॉडी में केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको हिपेरिन बोलते हैं। रिलीज कौन करता है, सेक्रीट कौन करता है, डब्ल्यूबीसी के बेसोफिल सेल्स करते हैं। ये बेसोफिल सेल से एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हिपेरिन बोलते हैं। ये हिपेरिन बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट होने नहीं देता। ठीक, आगे चलें। विच वन अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइटम कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में डिफरेंस क्या है। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो इजिली डिग्रेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं नेचर में, नेचर को हार्म नहीं करते, उसे बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो पूरी तरह खत्म नहीं होते, एनवायरमेंट को हार्म करते हैं, उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो देखते जाते हैं, पेपर, ग्रास एंड ग्लास। ग्लास इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, ग्लास नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इजीली डिग्रेड नहीं होता। नेक्स्ट, वुड, फ्लावर, आयरन स्क्रैप। आयरन स्क्रैप नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सीवेज, प्लास्टिक, लेदर। प्लास्टिक और लेदर दोनों ही नॉन बायोडिग्रेडेबल है। काउ डंग, पैडी हस्क, वेजिटेबल वेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, धान, सब्जी और जो काउ डंग होता है ये सारा क्या होता है, दैट इज नॉन, दैट इज बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल कंप्लीटली डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, विच ऑर्गेनेल इन सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन डीएनए। कौन सा पार्ट होता है हमारी कोशिका के अंदर जो जिसके पास में डीएनए नहीं, एक तो न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है और कौन सा पार्ट होता है जिसके पास में हमारा डीएनए रहता है। एक तो न्यूक्लियस के पास रहेगा, दूसरा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। किसके पास रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल कंटेन मेंटेन कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। कौन होता है भैया जिसका टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन नहीं, ऐसे कौन से जानवर होते हैं जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। मतलब अगर बाहर 2 डिग्री का टेम्परेचर है तो बॉडी का भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा होता है, दैट इज कॉल्ड एज बर्ड्स, एम्फीबियन, फिशेज या रेप्टाइल। इसका करेक्ट आंसर इज बर्ड्स, एम्फीबियन, फिशेज एंड रेप्टाइल। 3 चैम्बर का हार्ट होता है भैया हमारे पास, फिशेस के पास 2 होता है जबकि इन दोनों के पास 3 होता है। जब भी चैम्बर कम होंगे तो ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी, ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी तो भाई क्या करेंगे, ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। हमारे पास 4 चैम्बर है, मिक्सिंग नहीं होती इसलिए हम कर सकते हैं। बर्ड्स के पास 4 चैम्बर है, मिक्सिंग नहीं होती इसलिए वो भी कर सकते हैं। ठीक, चले आगे। चलिए नेक्स्ट, अ पर्सन फीड ऑन राइस एंड वेजिटेबल मेड अप ऑफ पोटैटो ओनली इज लाइकली टू सफर फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ। भाई कोई इंसान सिर्फ आलू और चावल खा रहा है तो किस चीज की कमी हो जाएगी। आलू में क्या मिल रहा है उसको, कार्बोहाइड्रेट। चावल में क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट। क्या नहीं मिल रहा उसको, ना फैट्स मिल रहा है ना प्रोटीन मिल रहा है। इसका करेक्ट आंसर है
प्रोटीन एंड फैट्स की डेफिशिएंसीज को हो जाएगी। एक्चुअल जो मेन डेफिशिएंसीज को होगी वो होगी प्रोटीन्स की, सिर्फ प्रोटीन्स की। क्यों सिर्फ प्रोटीन की क्यों होगी? क्योंकि भैया जब ये सब्जी बना रहा है तो कुछ ना कुछ फैट्स तो इसको यूज करना पड़ेगा। पर क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में लिखा नहीं है भाई ये ऑलिव ऑयल यूज कर रहा है, राइस ब्रैन यूज कर रहा है, सरसों का तेल यूज कर रहा है, क्या यूज कर रहा है इसने तो हमको लिख करके दिया नहीं है। तो लिख कर नहीं दिया तो हम क्या मानेंगे? हम तो एक जनरल की तरह लेकर के चलेंगे, दैट इज प्रोटीन और फैट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसलीन वॉज अप्लाइड टू बोथ द सर्फेस ऑफ लीव्स ऑफ द प्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वुड बी अफेक्टेड? अगर एक पत्ती के ऊपर वैसलीन लगा दू दोनों साइड पे तो कौन सा प्रोसेस मतलब डिफेक्ट हो जाए, अफेक्ट हो जाएगा? यार ये एक तो वर्ड्स का याद आना बड़ा मुश्किल होता है। चलो एनीवेज, अफेक्ट हो जाएगा वो कौन कौन है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? एक प्रोसेस है हमारा फोटोसिंथेसिस और एक प्रोसेस है हमारा ट्रांसपिरेशन। एक प्रोसेस है हमारा फोटोसिंथेसिस, एक प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन। रेस्पिरेशन अफेक्ट नहीं होगा। क्यों रेस्पिरेशन नहीं होगा? क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेसिकली फोटोसिंथेसिस की वजह से हैम्पर हो गई। तो मेजर जो प्रोसेस प्रॉब्लम में आ रहे हैं दैट इज फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर इज 1 and 3, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रीसाइक्लिंग आर करेक्ट? रीसाइक्लिंग क्या होता है और इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो देख लेते हैं। रीसाइक्लिंग इज जस्ट द कलेक्शन एंड सेपरेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। इकट्ठा किया, सेपरेट कर दिया वेस्ट मटेरियल को। भैया हमारे घर वाले भी तो वेस्ट मटेरियल फेंकते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं घर के कपड़े, तो क्या हम रिसाइकिल कर रहे हैं? नहीं, ये आंसर नहीं है, गलत है। रीसाइक्लिंग इज द कलेक्शन एंड सेपरेशन ऑफ द मटीरियल फ्रॉम द वेस्ट स्ट्रीम एंड देयर सब्सिक्वेंट प्रोसेस टू प्रोसीजर द मार्केटेबल प्रोडक्ट। इसको ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना जिसको हम दोबारा इस्तेमाल कर पाएंगे। यस, दिस इज रीसाइक्लिंग। नेक्स्ट, रीसाइक्लिंग लीड्स टू रिडक्शन ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल कॉस्ट। बिल्कुल ठीक, रीसाइक्लिंग जो होता है वो लीड करता है वेस्ट डिस्पोजेबल कॉस्ट को कम कर देता है, ये भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर इज 2 and 3, कौन सा है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ इंफेक्शियस डिजीज SARS, SARS, MERS, भैया ये क्या 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 साइंस में होता रहता है ना, पर बेचारे पढ़ना तो पड़ेगा। इतने खुश हो रहे थे ना, कोविड आ गया, बड़ा मजा आ रहा है, फाइनली हमको एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे, 12th का एग्जाम वाओ कैंसिल हो गया। अब आ रहा है मजा CUET देकर? पढ़ना तो एनीवेज पड़ेगा बच्चा, अब CUET का एग्जाम आ गया उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। चलो एनीवेज, SARS की फुल फॉर्म देखते हैं जरा। सिंड्रोम एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी सिम्टम, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सिवियर एस्थमेटिक रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सिंड्रोम अलार्म ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये क्या है? ये बेसिकली हमारे लंग्स से होने वाली दिक्कत है, दैट इज सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सिवियर होता है। सिवियर क्यों होता है? क्योंकि इसमें लंग्स जो होते हैं अपने साइज को छोटा कर देते हैं, इसलिए इसको सिवियर बोलते हैं। ठीक है, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट, इंसेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डिजीज आर कॉल्ड। वो इंसेक्ट्स जो बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर, ट्रांसमिटर, ड्रोन या कंडक्टर। भाई ड्रोन तो आजकल अलग ही चीज चल रही है। इसका करेक्ट आंसर इज वेक्टर, हम वेक्टर बोलते हैं इसको। व्हाट आर वेक्टर? वेक्टर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिजीज को ट्रांसफर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर्स। इसका करेक्ट आंसर्स आर वेक्टर। चलो फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए टाटा बाय बाय।